आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है मिर्जापुर से, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन फर्जी पेपर बेचने और खरीदने का मामला उठकर सामने आया है, जहां पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुट गई है। पकड़े गए आरोपियों में एक इंटर कॉलेज का लिपिक भी शामिल है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के जंगी रोड स्थित RR इंटर कॉलेज से पकड़े गए हैं सभी आरोपी। पुलिस अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता करके किया बड़ा खुलासा। जी हां, मिर्जापुर जनपद में आज पुलिस भर्ती परीक्षा को सफल बनाने के लिए प्रशासन कमर कस के तैयार थी। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को फेक पेपर देकर 10,000 से 15,000 रुपए वसूले जा चुके हैं। इस सूचना पर सक्रिय हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगी रोड स्थित RR इंटर कॉलेज से छापेमारी की। मौके पर 5 लोगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि यह ठग गिरोह है और फर्जी पेपर देकर लोगों से रकम वसूल रहा है। इसमें 3 लोग बेचने वाले तथा 2 खरीदने वाले अभ्यर्थी है। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, पूछताछ की जा रही है ताकि उनके नेटवर्क का खुलासा हो सके। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, ये थी मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये परीक्षा को लेकर कुछ लोग पकड़े गए हैं, क्या है इनका रोल परीक्षा में या क्या कर रहे थे? देखिए, एक ठगों का गैंग है जो एक फर्जी पेपर जनरेट करता है और जो छात्र इसमें सम्मिलित होने जा रहे थे आज सिपाही भर्ती परीक्षा में, उनको ये कह के पेपर देते हैं कि ये पेपर कल आने वाला है, जबकि वो वास्तविक पेपर नहीं है, ये टोटली एक फेक पेपर है। और उसी बहाने उनसे 10,000-15,000 इस तरह के रुपए उनसे ऐंठ लेते हैं और ये एक तरीके से ठगी का मामला है। और हम लोगों ने अपनी जो टीमें लगा रखी थी उसके माध्यम से हम लोग की सूचना मिली थी। ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को लेकर अलर्ट थे कि ऐसा कहीं कोई इस तरह घटना ना हो। उसी क्रम में आज हम लोगों ने इनको पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, पूछताछ की और इस प्रकरण का अनावरण किया। ये 5 लोग पकड़े गए हैं, इसमें कौन से अभ्यर्थी हैं या फिर कौन से? देखिए, 3 लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जो अभ्यर्थियों को उनसे बात कर रहे थे, उनको ये बता रहे थे कि हाँ आपको हम पेपर देंगे, और 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो उस पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे इसकी परीक्षा में बैठे, तो वो 2 अभ्यर्थी हो गए और 3 ऐसे लोग हैं जो उस ठगी को अंजाम दे रहे हैं। क्या पैसे का भी लेन देन हुआ था? पैसे के लेन देन को हम उसको देख रहे हैं, उनके जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको देख रहे हैं, पूछताछ उनसे जारी है और जैसा होगा आगे। गिरोह कहाँ का है सर? ये क्या मिर्जापुर या ये मिर्जापुर के हैं, जो लोग सभी लोग अभी तक जो आए हैं वो मिर्जापुर के ही हैं, और इनके अगर कहीं लिंक्स हैं तो उसको भी डेवलप किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जो सर अभ्यर्थी पकड़े गए हैं 2 जो है, वो क्या एग्जाम सेंटर के अंदर से पकड़े गए हैं या उनको पहले ही इनको पकड़ लिया गया था, क्या है? देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी पता कर रहे हैं, वहाँ के जो हमारे संबंधित मजिस्ट्रेट्स होंगे, कार्यदायी संस्था होंगी, पुलिस के अधिकारी होंगे, उनसे बात करके इस चीज के बारे में हमको आपको बताएंगे। 5 लोगों से पूछताछ हो रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।